हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हो सबसे आसान। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है जनरेटिव फंक्शंस पार्ट टू। इससे पहले के लेक्चर में जनरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मैं बता चुका हूँ। इसका पार्ट टू है जिसमें मैं रिमेनिंग जो दो क्वेश्चन है सीएसआईआर नेट में आए हुए उन्हें सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो सीएसआईआर नेट जून 2016 में आया हुआ है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेट जून 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है जो कि स्मॉल क्यू स्मॉल पी से कैपिटल क्यू कैपिटल पी में दी हुई है। जो ओल्ड हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन एच होता है न्यू वाले के अजबार होता है। हमें जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है एफ इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी और हमें ओल्ड हैमिल्टोनियन दिया हुआ है एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाई फोर क्यू की पावर फोर। तो ये जो ओल्ड हैमिल्टोनियन है स्मॉल पी स्मॉल क्यू के टर्म्स में है क्योंकि हमारे जो ओल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी स्मॉल क्यू स्मॉल पी के टर्म्स में है, लेकिन जो हमारे न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैपिटल क्यू कैपिटल पी के टर्म्स में। ये ध्यान रखना है, हमें हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन बताना, यानी कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन बताना। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के। ये दोनों ही स्मॉल रहेंगे बिकॉज यहां पे ओल्ड हैमिल्टोनियन यूज कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है पी के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ये है ओल्ड हैमिल्टोनियन के लिए। बट हमसे बोला जो न्यू कोऑर्डिनेट बने कैपिटल क्यू कैपिटल पी, अगर इसके रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन को लिखें तो कैपिटल क्यू डॉट इक्वल्स टू आएगा डेल न्यू हैमिल्टोनियन अपॉन कैपिटल पी के, पी के डॉट इक्वल्स टू डेल न्यू हैमिल्टोनियन अपॉन डेल क्यू के। यानी कि अगर आप स्मॉल क्यू स्मॉल पी के टर्म्स में लिखेंगे तो ओल्ड हैमिल्टोनियन आएगा और कैपिटल क्यू कैपिटल पी के टर्म्स में लिखेंगे तो न्यू हैमिल्टोनियन आएगा। तो इसमें हमसे बोल रहा है कि हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जो नया ट्रांसफॉर्मेशन है उसके रेस्पेक्ट में लिखें। तो पहले मुझे उसके लिए नया हैमिल्टोनियन निकालना पड़ेगा। हैमिल्टोनियन निकालने के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास है एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी। तो इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें स्मॉल क्यू तो है और कैपिटल पी भी, तो एब्सेंट कौन है, कैपिटल क्यू एब्सेंट है। तो उसका मतलब डेल एफ अपॉन यहां कर देंगे डेल कैपिटल पी, यहां क्यू तो यहां पी और सेकंड हमारा हो जाएगा दूसरा कौन एब्सेंट है इसमें, दूसरा हमारे इसमें स्मॉल पी एब्सेंट है। तो स्मॉल पी इक्वल्स हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल यहां पी तो यहां क्यू हो जाएगा। और दूसरी बात जो आपको पॉजिटिव को याद होगा कि जो हमारा क्यू होता है और जो हमारा पी होता है अगर वो दोनों कैपिटल है, पी छोटा पी स्मॉल कैपिटल पी तो होता है पॉजिटिव और अगर क्यू हमारा स्मॉल है और पी कैपिटल तो होते हैं नेगेटिव। इन दो केस में पॉजिटिव, इन दो केस में नेगेटिव, इसलिए यहां पर जो कैपिटल क्यू है वो तो रहेगा पॉजिटिव, स्मॉल पी भी रहेगा पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। तो कैपिटल क्यू की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन को कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, स्मॉल पी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में टू क्यू पी आ जाएगा। और जो हमारा ओल्ड हैमिल्टोनियन होता है और न्यू हैमिल्टोनियन में जो रिलेशन होता है वो इस तरह से दिया जाता है कि न्यू हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस जनरेटिंग फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंस जनरेटिंग फंक्शन टाइम पर डिपेंड नहीं करता इसलिए ये पार्ट हो जाएगा जीरो। तो हमारा न्यू हैमिल्टोनियन आ जाएगा ओल्ड हैमिल्टोनियन प्लस जीरो, यानी कि न्यू हैमिल्टोनियन और ओल्ड हैमिल्टोनियन सेम हो जाएंगे। तो जो न्यू हैमिल्टोनियन है वो ओल्ड हैमिल्टोनियन इक्वल आ जाएगा और ओल्ड हैमिल्टोनियन हमारे पास है पी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा क्यू स्क्वायर प्लस बीटा बाई फोर क्यू टू दी पावर फोर। लेकिन ये न्यू हैमिल्टोनियन है तो उसमें न्यू कोऑर्डिनेट होनी चाहिए यानी कैपिटल क्यू कैपिटल पी होनी चाहिए, बट हमारे पास अभी क्या है स्मॉल पी स्मॉल क्यू है तो हमें इसको कैपिटल पी कैपिटल क्यू के टर्म्स में लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। अगर बात करूं क्यू स्क्वायर की तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल क्यू है तो यहाँ पे मैं कैपिटल क्यू रख दूंगा तो हैमिल्टोनियन एच स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू अल्फा इस क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्यू रख दूंगा प्लस बीटा बाई फोर इस क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्यू स्क्वायर रख दूंगा क्यू स्क्वायर, बिकॉज जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो फोर बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो क्यू की पावर फोर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब रही पी स्क्वायर की बात तो पी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ समझ देता हूँ तो पी स्क्वायर की हो जाएगी अगर पी का स्क्वायर करूँ तो फोर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर फोर क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं नहीं रखता हूँ यहाँ पे क्यू की वैल्यू, क्यू स्क्वायर अगर मैं रहने दूँ तो क्यू स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा अपने नीचे, यानी कि मैंने पी स्क्वायर की जगह रखा फोर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर टू अल्फा इस क्यू स्क्वायर को रन दिया तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां मैंने क्यू की पावर फोर की जगह पर क्यू का स्क्वायर रख दिया। अब जो मेरा न्यू हैमिल्टोनियन वो आ गया है
फोर पी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा बाई फोर कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो मेरा न्यू हैमिल्टन हमेशा कैपिटल पी कैपिटल क्यू के टर्म्स में होना चाहिए और ओल्ड वाला हमेशा स्मॉल पी स्मॉल क्यू के टर्म्स में होना चाहिए। तो मैंने हैमिल्टन को निकाल दिया। अब मुझे निकालने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है क्यू डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी। तो यानी से पी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये टू आगे आएगा तो हो जाएगा एट पी अपॉन टू अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा फोर पी बाई अल्फा। तो चेक कर लेंगे फोर पी बाई अल्फा किसमें है, फोर पी बाई अल्फा इसी ऑप्शन में, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अब चाहो तो सेकंड में निकाल कर देख सकते हो पी डॉट हो जाएगा डेल एच डेल एच अपॉन डेल क्यू। तो क्यू के रेस्पेक्ट में जब इसको करोगे आप तो टू आगे आएगा तो आएगा बीटा बाई टू क्यू, ठीक है ना, बीटा बाई टू क्यू। और इक्वेशन में नेगेटिव होता है साइन तो यहाँ पे भी नेगेटिव भी लगेगा, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि क्यू डॉट हमारा इतना आ रहा है एंड हमारा पी डॉट इतना आ रहा है। ओके, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है स्मॉल पी स्मॉल क्यू टू कैपिटल पी कैपिटल क्यू, और हमें वो रिलेशन भी दिए हैं किसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहला रिलेशन है कैपिटल क्यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू स्क्वायर और दूसरा रिलेशन है कैपिटल पी इक्वल्स टू स्मॉल पी डिवाइडेड बाई टू क्यू। हमें जनरेटिव फंक्शन फाइंड करना है कि जनरेटिव फंक्शन क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्मॉल पी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो स्मॉल पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू क्यू कैपिटल पी। तो कैपिटल क्यू इक्वल्स टू होता है डेल एफ अपॉन डेल पी, यहाँ कैपिटल तो यहाँ कैपिटल, यहाँ क्यू तो यहाँ पी, ठीक है। तो अगर मैं कैपिटल क्यू की वैल्यू रखूँ क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल पी, कैपिटल पी को जरा मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर डेल पी इक्वल्स टू डेल एफ। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन करने में क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन होगा डेल पी का, या इंटीग्रेशन डेल एफ का होगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी इक्वल्स टू एफ। जब हम करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे, मान लो कॉन्स्टेंट है एफ वन या मान लो सी वन, मान लो कॉन्स्टेंट सी वन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर आप एफ यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला लगाओ कि डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू स्मॉल पी, क्योंकि स्मॉल पी की वैल्यू हमारे पास है तो स्मॉल की यहाँ पे स्मॉल क्यू, ओके डेल एफ अपॉन डेल क्यू अगर मैं यहाँ लिख दूँ और स्मॉल पी के लिख दूँ टू क्यू पी, इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेल एफ इक्वल्स टू आ जाएगा टू क्यू पी डी क्यू। तो डेल एफ को ऐसे रहने देंगे, पी इसको कवर ले लेंगे और टू को भी बाहर ले लेंगे, क्यू डेल क्यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा, यहाँ आएगा टू पी, इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर पी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखा जाए तो दोनों में क्यू स्क्वायर पी आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर पी आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर पी वाला हमारा ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा।